हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो जितने भी लोग हैं जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल, क्या आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं। सभी लोग फटाक से एक बार ऑडियो वीडियो कन्फर्म करिए, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, अभी आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन जस्ट कुछ दिनों में आने वाला है। हालांकि ये तो प्रिडिक्टेड पहले से ही है कि भी आपका 1 से 2 महीने में या 3 महीने में आपका आरआरबी जेई का एग्जाम है, तो हम लोग उसी के लिए बैच लॉन्च किए हैं। और ये बैच थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड पे होगा, जिससे हम लोग आरआरबी जेई के पहले अपना पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट कवर कर पाए। लेकिन हमारा जो प्राइम फोकस होगा स्टार्टिंग पे, वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन पे। तो हम लोग वन बाय वन करके एक एक वीक में ऐसा करेंगे कि एक वीक में हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो वन वन वीक करके हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कितने सब्जेक्ट हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। उससे दो एडवांटेजेस हैं, क्योंकि आरआरबी जेई में दो प्रकार की वैकेंसी आती है ना, एक तो आएगी आपके इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, एक आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। तो वो चीज दोनों के लिए कवर रहेगी, है ना। तो उस चीज को लेकर हम ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहला जो सब्जेक्ट मैंने लिया वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी जहां से ज्यादा बने वो भी हमको ज्यादा कवर करना है ना। तो हमको ज्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं, आरआरबी जेई के एग्जाम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल। हाँ, जो भी आपके ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फ्री मैंने बता दिया आपका, कि ऑलमोस्ट आपका बैच फ्री है, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए याद रखिएगा आपका जो कोर्स फी 2400 रुपीज है। इसमें दोनों कवर होगा, आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। अभी हम लोग टेक्निकल की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक तक में आपका नॉन टेक पोर्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम लोग बात करते हैं ना, अगर हम लोग बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में का मोटो क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जो पुरानी कहानी पहले कभी पढ़े हो उनको पढ़ लो उससे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर करके देखनी पड़ेंगी, है ना। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के पीछे का जो रीजन है, ऐसा कौन सा काम था जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कर पाया। अगर हम ये बोले तो एक ऐसी चीज थी जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कर पाया, किसी भी काम को वो कर तो पा रहा है लेकिन उसके लिए जो साइज होना चाहिए थोड़ा बड़ा था। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी साइज था ना किसी भी चीज को बनाने के लिए, वो साइज थोड़ा बड़ा था। उसको जो मुझे छोटा करना, तो उसके सबसे बेस्ट जो मेरे पास टेक्नोलॉजी आई उसको बोलता हूँ मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका जो मेन मोटो क्या है, किसी भी डिवाइस को हमको छोटा करना, कॉम्पैक्ट करना, है ना। तो ये हमारा मेन मोटो था। क्या क्या हमारे सिलेबस में चीजें होती हैं, पहला हम डिस्कस करेंगे बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स, के मैप, नंबर सिस्टम, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, सिक्वेंशियल सर्किट, लॉजिक फैमिली, ये सारी चीजें, और ए टू डी कन्वर्टर्स, ये चीजें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जैसे मैंने बोला कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन एडवांटेज था साइज छोटा करना, तो अगर मुझे एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तो सर्किट आपका कैसा, डिजिटल सर्किट है ना, तो मुझे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डिजिटल को भी एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास एक डेडिकेटेड टॉपिक हो गया यहाँ पे, क्या, ए टू डी कन्वर्टर्स। ये तो हमारे सर्किट में बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि भाई ए टू डी कन्वर्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। दूसरा बात होता है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा मैथमेटिक्स है ना, कि अगर हम बात करें कि हम उससे, जैसे अगर हम बात करें अपने मैथमेटिक्स में, है ना, 1 2 3 4 5 तो चीजें लिखते हैं, तो हम लोग वहां पे एक कन्वेंशनल मेथड देखते हैं, है ना। मतलब 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं अगर हम लोग अपने मैथमेटिक्स की बात करें, जो हम लोग डेसिमल यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किसी चीज को या तो ऑन करेंगे या तो ऑफ करेंगे, या तो ट्रू करेंगे या फॉल्स करेंगे, या फिर 1 करेंगे या 0 करेंगे। 1 और 0 के बीच में कोई और वैल्यू नहीं होगा। मतलब बूलियन अलजेब्रा का मतलब होता है, देखो अगर बात करूं मैं अलजेब्रा के बारे में, तो अलजेब्रा दो प्रकार के होते हैं, लीनियर अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का मतलब होता है कि अगर 0 से 1 में लिख रहा हूं ना, रेंज लिख रहा हूं, तो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट मिड पॉइंट आ सकते हैं। 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर बोलता हूं मैं यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा का मतलब क्या है कि अगर मैं 0 से 1 रेंज दे रहा हूँ ना, तो इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू है, या तो सिर्फ 0 है या तो सिर्फ 1 है। 0 और 1 के बीच में कोई और वैल्यू नहीं है,
तो ये होता है बूलियन अलजेब्रा का मीनिंग, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है और लॉजिक सर्किट समझेंगे कि भाई लॉजिक मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस बेस पे हम कुछ गेट्स बनाएंगे वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर एक होता है हमारा के मैप। देखो क्या होता है, जब लॉजिक सर्किट्स पढ़ेंगे ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेट्स पढ़ेंगे, तो उनको मिला के हम कोई भी डिजिटल सर्किट बना पाएंगे, वो तो क्लियर है। लेकिन अगर मुझे उस सर्किट को कम नंबर ऑफ गेट का यूज करके बनाना है, या फिर कम कम पैसे में बनाना है ना, कम मॉनेटरी बेसिस पे बनाना है, उसमें मेरा हेल्प करता है कारनॉफ मैप। कारनॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मुझे ये बताया था कि मैं किसी भी सर्किट को बहुत कम कॉस्ट में बहुत कम नंबर ऑफ गेट्स का यूज करके बना सकता हूँ। तो वो एक टेक्नोलॉजी है के मैप। हालांकि मैं चाहूं तो मैं के मैप का यूज किए बिना भी बूलियन अलजेब्रा से भी सर्किट को बना सकता हूँ, लेकिन इसमें मुझे टाइम ज्यादा लगेगा और बूलियन अलजेब्रा में कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा, डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा। फिर एक आएगा यहाँ पे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आगे चल के हमको माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ना है, ठीक है ना, या और भी कुछ सिस्टम पढ़ने हमको, तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में देखते हैं कि वहां पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है। तो हमें क्या करना होगा कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल था, उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अब डिजिटल में पास डिफरेंट डिफरेंट के सिस्टम बन गए हैं। बाइनरी हो गया एक अलग नंबर सिस्टम, ठीक है, एक हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे ऑक्टल, एक हो जाएगा मेरे पास डेसिमल, एक हो जाएगा मेरे पास हेक्साडेसिमल, उनको मैं बोलता हूँ नंबर सिस्टम। और इसमें हम लोग कन्वर्जन भी देखेंगे ना कि कैसे मैं नंबर को आपस में कन्वर्ट करता हूँ, डेसिमल को बाइनरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आरआरबी जे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक सर्किट मतलब क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी नेटवर्क सर्किट्स पढ़ चुके हैं, सर्किट थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो हमको सर्किट का मतलब तो पता है कि एक क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड पाथ, जहां पे कोई सोर्स होगा और कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, वो हमारा सर्किट हो गया। लेकिन ये एक स्पेशल प्रकार का सर्किट है कि इसमें हमारा क्या होता है कि जो आउटपुट है ना वो हमारा इनपुट पे डिपेंड करता है, बट वो फ्यूचर आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता, या फ्यूचर इनपुट डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, उसको बोलता हूँ आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट। लेकिन ये जो सिक्वेंशियल है इसमें ये फ्यूचर की वैल्यू पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्किट। तो ये डिफरेंट प्रकार का एक सर्किट है, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और लॉजिक फैमिलीज आपका क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हम लोग गेट पढ़ेंगे, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, है ना, हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। लेकिन मुझे बाद में पता चले कि भाई अगर मुझे उसी गेट को बनाना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना, ट्रांजिस्टर का यूज करके, ओपेम्प का यूज करके, तो वो कैसे बनाऊंगा वो बताता हूँ लॉजिक फैमिलीज, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। जैसे अगर थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में बताना चाहूँ कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से ज्यादा से क्लियर समझ पाएंगे। देखिए जैसे अगर मैं पूछूं वन, तो वन हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना, वन को तो ऐसा भी लिखा जाता है ना, अगर आपने कहीं देखा होगा रोमन में वन ऐसे लिखते हैं हम लोग, वन को ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं, वन तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ओ एन ई वन हो गया, उसको हम एक भी लिख सकते हैं, मतलब तीनों इन सबको मतलब क्या, एक ही है, बट हमको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, राइट। तो वैसे हमारे पास नंबर सिस्टम में अगर हम लिखते हैं यहाँ पे मान लीजिए 10, ठीक है ना, तो ये आपका क्या डेसिमल नंबर सिस्टम में मान लीजिए अगर ये 10 है, तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो ये हो जाएगा 1010। इन दोनों का मीनिंग एक ही है, कोई अलग नहीं है, तो हमें इनको आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना, हमें इनको आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं इस 10 को हेक्साडेसिमल में लेके जाऊंगा तो ए लिख हो जाएगा वो, हां, तो एक कन्वर्जन हो गया। तो वो चीजें हमको यहाँ पे सीखनी है, देखनी है, ठीक है। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, ठीक है। हमारा जो टारगेट है, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो टारगेट है, टारगेट आज आपका कौन सा डेट है, एक बार मुझे डेट में आप लोग हेल्प करोगे क्या, मेरे इसमें 11th June, है ना, तो मेरा टारगेट है इसको 18 जून तक बाइंड अप करने का, 18 जून तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और थोड़ा सा 19 और 20 को जम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कितने करेंगे क्वेश्चन सॉल्व जम के, आप तो अभी भी करना ना, आप इनके बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा, मैं भी क्लास के बीच में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, लेकिन आप भी करना है यहाँ पे, लेकिन 19-20 को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्वेश्चन सॉल्व कराने की जम,
दिन रात क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। ओके तो ये आपका 7 डेज का मॉड्यूल है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अगर फोकस बना के चलोगे तो आपका एक सब्जेक्ट बड़े अच्छे टाइम में निपट सकता है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन का मतलब होता है, देखो अलजेब्रा का मीनिंग मैंने आपको बताया, अलजेब्रा मतलब होता है वेरिएबल, है ना। जैसे एक्स हो गया तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। दो प्रकार के अलजेब्रा होते हैं, मैंने बताया आपको ऑलरेडी, लीनियर और बूलियन। बूलियन का मतलब होता है टू, है ना। इसका मतलब क्या हो, वेरिएबल टेक्स ओनली टू वैल्यूज, मतलब हर एक चीज की सिर्फ दो ही वैल्यू संभव है, है ना। जैसे अगर मैंने पूछा कि इसको बहुत आसान बात में बताना चाहूँ बूलियन अलजेब्रा का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल पूछता हूँ मैं कि अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपके घर पे जो गेस्ट आते हैं, सर ब्राइटनेस स्लाइटली अप हो सकता है क्या? अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यार, अभी तो आज ऐसा ही देख लो, है ना। जो भी ब्राइटनेस होगा वो कल की क्लास में देख लेंगे, या फिर मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लेना, है ना, क्योंकि ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो फिर मेरे पास दिक्कत होती है ना। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको एग्जांपल की भाषा में बताता हूँ बूलियन अलजेब्रा का मीनिंग। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, ठीक है, और आपसे पूछते कि चाय पियेंगे, तो वो अगर इसका आंसर देते कि थोड़ी सी पियेंगे, देखो उसके दो आंसर हो, तीन आंसर हो सकते हैं, है ना। क्या क्या हो सकता है, नहीं पियेंगे, पियेंगे या फिर थोड़ा सा पियेंगे। तो बूलियन अलजेब्रा में सिर्फ दो ही आंसर होंगे, या तो हाँ करो, यस बोलो, या तो नो बोलो। ये थोड़ा कम ज्यादा ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए, है ना। ये होता है बूलियन अलजेब्रा, मतलब एक तरह से स्ट्रिक्ट है ये। एनालॉग में क्या होता था, या फिर हम क्या बोल लेंगे लीनियर अलजेब्रा में, कि उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, कम, थोड़ा सा और ज्यादा ले लेंगे, ज्यादा ले लेंगे, वो आंसर होगा। लेकिन बूलियन अलजेब्रा में किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी वेरिएबल के सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो यस या तो नो। यस को बोल देते हैं वन, जीरो को बोलते हैं नो, है ना। या तो हम ट्रू बोलेंगे या तो फॉल्स बोलेंगे। बल्ब कोई है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, है ना। यस को हम लोग ऑन बोल देते हैं, और उसी को हम हाई बोल देते हैं, इसी को हम जीरो बोल देते हैं। तो एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है आरआरबी जे के एग्जाम में कि वन मेरा किसके सिमेट्रिकल है, वन मेरा ऑन के सिमेट्रिकल है या ऑफ के सिमेट्रिकल है। तो वन मेरा ऑन के सिमेट्रिकल है और जीरा मेरा ऑफ के सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कितने टाइप के हमारे पास बेसिक गेट होते हैं बूलियन अलजेब्रा में। तीन प्रकार के बेसिक गेट्स होते हैं, एक होता है और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। इसको मैं थोड़ा सा याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो और हम कैसे लिखते हैं, और हम ऐसे लिखते हैं ना, और ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे आपको ओ में कर्व दिखाई दे रहा है ना, ये वाला कर्व। तो आप कैसे बनाओगे और गेट को, मैं आपको याद करने की टेक्निक भी बता रहा हूँ यहाँ पे। आप इस पहले कर्व को बना लो, ये कर्व बना लिया आपने, ये बन गया आपका और गेट, ठीक है। अब एंड गेट कैसे बनाना है, एंड अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना एंड, एंड तो यहाँ पे जो कैसा कर बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा, सीधी लाइन खींच दो आप, यहाँ पे सीधी लाइन खींच गई, ये बन गया आपका एंड गेट। नॉट गेट सबको पता है ऐसा, है ये नॉट गेट आपका, नॉट गेट बन गया, ठीक है। तो हमारे पास तीन प्रकार के बेसिक गेट होते हैं, है ना, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा, नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोला जाता है। बात करते हैं और गेट की, और गेट कैसा होता है, ऐसा होता है मैंने बताया। जैसे मान लीजिए और गेट पे मेरे पास दो इनपुट है, एक का नाम रख दिया मैंने ए, एक का नाम रखा मैंने बी, इसका आउटपुट क्या होगा, तो और का जो आउटपुट होगा वो होगा मेरे ए प्लस बी, मतलब कि जो भी आप इनपुट दोगे उनका समेशन होकर आउटपुट यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास और गेट। आप इसको ऐसे भी समझिए, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा अभी आगे बताऊंगा चीज में। देखिए तो दो इनपुट है पास ए और बी, तो उसका आउटपुट आ जाएगा ए प्लस बी। एक चीज और है, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ए बी दो इनपुट, तो कितने इनपुट के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे दो इनपुट है तो मेरे पास चार कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट के, ए और बी के, ए और बी के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार बनेंगे। तो अगर मुझे पूछो कि तीन इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, दस इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। उसका सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल है, ए और बी दो इनपुट है, तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन होंगे, टू की पावर टू, मतलब फोर कॉम्बिनेशन। अगर तीन वेरिएबल है तो कितना हो जाएगा, एट कॉम्बिनेशन। अब अगर आपसे पूछूं मैं कि अगर आपके पास फाइव कॉम्बिनेशन इनपुट, अगर आपके इनपुट पे फाइव कॉम्बिनेशन है तो कितने वेरिएबल होंगे, टू की पावर फाइव।
समझ में आया सभी को, है ना? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पास यहाँ पे बन जाता है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे और गेट के बारे में, एक चीज और बताई मैंने कि जैसे ये और गेट, मैंने बोला कि यहाँ पे दो इनपुट है, पांच इनपुट भी हो सकते हैं, 10 इनपुट भी हो सकते हैं, थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली इसमें कितने भी इनपुट हो सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हमारे किसी भी गेट में ऑलमोस्ट 4 से ज्यादा इनपुट नहीं होंगे, है ना? जो हम लोग गेट बनाएंगे, हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रैक्टिकली इसमें 4 इनपुट हो सकते हैं, थ्योरेटिकली आपके जितने मन उतने आप जोड़ लो, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा भी मैंने, फॉर एन वेरिएबल नंबर ऑफ इनपुट टू की पावर एन आपके पास कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है? और उस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा कितने इनपुट होते हैं, 4 इनपुट हो सकते हैं यहाँ पर, वो सर नेक्स्ट पेज में लिखा होगा मैंने, ठीक है? अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल की डिफिनेशन एक बार एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है कि ट्रुथ टेबल क्या होता है। ट्रुथ टेबल एक ऐसी टेबल है जो उस गेट के ट्रुथ के बारे में बताएगी। ट्रुथ टेबल एक ऐसी टेबल है जो उस पर्टिकुलर गेट के ट्रुथ के या सच्चाई के बारे में बताएगी कि ये गेट कैसे परफॉर्म करने वाला है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर पे कोई गेस्ट आए, ठीक है, अगर आपसे कोई उनसे पूछते हो कि आप चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे, है ना? चाय और कॉफी, है ना? इसको आप ऐसे समझिए प्रॉपर, मैं आपको बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है? टी और कॉफी एक ही हो सकता है, एक होता है टी एंड कॉफी, ठीक है, और दोनों नहीं, नॉट, है ना? तीन ऑप्शन होंगे ना, कि चाय और कॉफी। अगर चाय और कॉफी की बात हो रही है तो जैसे मान लीजिए ये लिख दिया मैंने यहाँ पे टी, यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉफी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने पर्सन का आउटपुट कि भाई इसको क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब अगर पर्सन कोई भी चीज पी रहा है, ठीक है ना, चाय या कॉफी में, उसका आउटपुट 1 होगा। तो जैसे मान लो अगर मैं इसको चाय दे रहा हूँ, ठीक है ना, चाय दिया मैंने और कॉफी नहीं दिया, तो क्या खुश है कि नहीं, बताओ मुझे? इसको चाय या कॉफी में कोई भी एक चीज चाहिए थी ना, टी और कॉफी दोनों में से कोई एक चीज, है ना? तो इसको चाय तो मिल गई, कॉफी तब भी खुश है भाई, क्योंकि एक चीज को, टी और कॉफी को एक चीज चाहिए थी, मिल गई, तो उसका आउटपुट हो जाएगा 1। अगर बोलो मैं पे 0 0, मतलब ना इसको चाय मिली ना इसको कॉफी मिली, तो आउटपुट क्या होगा? 0। अगर पूछू मैं इसको मैं कर दू यहाँ पे 1, इसको कर दू मैं 0, मतलब इसको मैं चाय नहीं दे रहा हूँ, कॉफी दे रहा हूँ, ठीक है, तब भी इसका आउटपुट क्या होगा? तब भी ये खुश है क्योंकि इसको चाय या कॉफी में कोई चीज चाहिए थी, है ना? अगर मैं कह दूं इसको 1 1, तब भी खुश है भाई क्योंकि इसको चाय या कॉफी को एक चीज चाहिए थी, दोनों मिल गया। समझ में आ रहा है इस चीज को क्या कैसे बताना चाह रहा हूं मैं? या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया आपका और गेट। और गेट में मैंने क्या देखा भाई कि आपका आउटपुट हमेशा 1 होगा अगर उनमें से कोई भी एक इनपुट 1 है, तो मतलब चाय और कॉफी में से कोई भी एक वैल्यू 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 होगा। ये देखो आप यहाँ पे, है ना, इसमें अगर ये आपका 1 हो गया, ये आपका बी हो गया, ए बी, ठीक है ना, इनमें से कोई भी इनपुट अगर एक 1 है ना, आउटपुट हमेशा 1 होगा, ठीक है ना? और का मतलब भी क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू, है ना? देखो ना, 0 0 है, 0 0 है तो आउटपुट 0 ही रहेगा, इसमें कोई बात ही नहीं थी। 0 1, एक वैल्यू 1 हो गई, आउटपुट 1 हो गया। 1 0, ए बी में एक भी 1 हो गया, और का मतलब क्या होता है, कोई भी एक अगर 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा, दोनों 1 है तब भी आउटपुट 1 रहेगा। तो इसको बोलता मैं आपका और गेट। या फिर अगर आप इसको इसके एक्सप्रेशन से देखना चाहो कि इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी, आप सम कर लो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 आपका होता है 1। मतलब चाहे अगर आप ये सोचो कि आपके पास एक फैन का बटन है, मैं बोलूं उसको ऑन कर दूं जो कि ऑलरेडी ऑन है, तो 1 ही रहेगा ना। एक फैन है, ठीक है ना, आप इसको ऐसे समझे इस चीज को, 1 प्लस 1 1 कैसे हो गया, ठीक है? तो वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फैन है, ये किसी जरूर फैन, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी बटन है, ऊपर लिखा है ऑन, वो नीचे लिखा है ऑफ, ठीक है? मान लेता हूँ कि बटन अभी आपका ऑन कंडीशन में है, फैन आपको घूम रहा है। अगर मैं आपको बोलूं फैन ऑन कर दो, तो भाई ऑन तो ऑलरेडी, इसको दोबारा ऑन कैसे कर सकते हो, तो ना 1 तो ऑलरेडी है, तो 1 प्लस 1 कितना रहेगा, ऑन ही रहेगा ना,
ठीक है, जो चीज पहले से ऑन है उसको दोबारा ऑन करना क्या मतलब, तो ऑलरेडी ऑन है तो अभी भी ऑन रहेगा, तो 1 + 1 कितना होता है आपका, 1 होता है, ये आपको अभी मैंने बताया। आगे चल के जब मैं आपको बाइनरी में आऊंगा तो बताऊंगा कि 1 + 1 कितना होता है, 1 0 होता है, 0 आपका कैरी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के हिसाब से जितना मैंने अभी आपको बताया उसके बेस से आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मान लो आपके पास एक बल्ब है, ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक बल्ब है, इसको जलाना है, ठीक है, और इसको इसके थ्रू आप बताना चाह रहे हो और गेट की वर्किंग को, ठीक है ना। तो कैसे बताओगे, ये आपने सप्लाई दिया, अब और गेट में क्या होता है कि यहाँ पे दो इनपुट है, ए और बी, दो स्विच लगा दिया मैंने। अब जैसे मान लो मैं अगर आउटपुट को मतलब बल्ब अगर ग्लो कर रहा है मतलब आउटपुट 1, मान लो मैं अगर इसको ऑन करता हूँ, ये वाला स्विच को मैंने ऑन किया 1, तो यहां से करंट जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी, बल्ब आपका क्या हो जाएगा 1, मतलब कि अगर आपने ए को रखा 1 तो आउटपुट 1 मिलेगा, अगर आप बी को करो 1 तो तब भी आपका आउटपुट 1 मिलेगा, अगर दोनों को ऑन कर दो तब भी आपका आउटपुट 1 मिलेगा, लेकिन अगर दोनों बल्ब को ऑफ कर दो तब आउटपुट 1 मिलेगा क्या? देखो जरा, देखो देखो, अगर आपने इसको भी ऑफ रखा है, ओपन सर्किट है, ये भी ओपन सर्किट है, तो क्या वोल्टेज से बल्ब तक करंट जाएगी? नहीं जाएगी, तो बल्ब आपका क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। मतलब जब आप इसको 0 दोगे, इसको भी 0 दोगे, तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। तो मैंने क्या बताया कि ये जो गेट है ना आपका और गेट, हम लोग कौन सा गेट पढ़ रहे हैं, और गेट, तो और गेट के थ्रू अगर हम इसको स्विच के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस प्रकार के स्विच को रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल स्विच या सीरीज स्विच? तो क्या बोलोगे, और गेट इज इक्वल टू पैरेलल स्विच। हमारा जो और गेट है वो कहीं ना कहीं हमारे किस गेट की तरह से है, वो हमारे पैरेलल स्विच की तरह काम कर रहा है। और गेट में हमने ये देखा कि कोई भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 होगा, तो आप यहां पे लिख सकते हो, व्हेन एवर एनी इनपुट इज हाई, ज्यादा है 1 है, आउटपुट इज ऑलवेज 1, ठीक है, ये हमारा हो गया और गेट। जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, देखो सभी लोग, ये और गेट है, इसमें मेरे पास 4 इनपुट है, ए बी सी डी, मुझे आउटपुट बताना है कि आउटपुट क्या होगा, और क्वेश्चन बोला है कि सिर्फ डी इनपुट मुझे बताया कि डी इनपुट 1 है, ए क्या है मुझे नहीं पता, बी मुझे क्या है नहीं पता, सी क्या है मुझे नहीं पता, डी की वैल्यू 1 है, आउटपुट क्या होगा? आउटपुट हमेशा 1 होगा, क्यों होगा भाई? ये कौन सा गेट है, यहाँ पे कर्व दिख गया मतलब और गेट है, बहुत अच्छी बात है, और गेट में एक भी इनपुट अगर 1 मिल गया आउटपुट हमेशा 1 होगा, मुझे नहीं पता कि बाकी इनपुट्स क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिमेनिंग इनपुट आउटपुट विल बी ऑलवेज 1। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैंने यहां बताया था आपको, थ्योरेटिकली और गेट कैन हैव एनी नंबर ऑफ इनपुट्स बट प्रैक्टिकली इट इज लिमिटेड टू 4। थ्योरेटिकली तो मैं इसमें 10 इनपुट जोड़ दूं यहां पे, लेकिन प्रैक्टिकली कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, 2 इनपुट और गेट, अब हम बात करते हैं 3 इनपुट और गेट के बारे में। 3 इनपुट और गेट में क्या होगा, एक बात सब लोग थम्स अप कर दो यार, बता दो सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए आप लोग प्रॉपर मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो हम बात करते हैं 3 इनपुट और गेट। और गेट लिखा है मतलब यहां पे मुझे कर्व बनाना, तो कर्व बन गया, ये बहुत अच्छी पहचान है ना, और गेट पहचानने की, तो ये कर्व बन गया, और 3 इनपुट मैंने बना दिए, ए बी सी, 3 इनपुट मेरे पास बन गया, आउटपुट क्या होगा? तीनों आउटपुट का सब a+b+c। अब कितने इनपुट है? 3 इनपुट है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, मेरे पास 8 कॉम्बिनेशन बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना इनपुट के, वो कैसे लिखूंगा मैं, उसका भी तरीका देख लो। जैसे 8 हो गए तो पहले क्या हो गया, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये आपके क्या हो गए, जो 8 कॉम्बिनेशन बनाए थे ना इनपुट के, वो बन गए, ठीक है। अब आउटपुट की बात करते हैं, कब आउटपुट आपका 1 होगा कब 0 होगा। तो मैंने आपको और गेट के बारे में सबसे पहले क्या होता है कि एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट आपका 1 होगा, 1 हो गया तो आउटपुट 1, देखो यहाँ पे 1 है तो आउटपुट 1, 1 1,
यहाँ पे वन है तो वन, मतलब देखो ना आप ये वाले इनपुट को छोड़ के जो पहला इनपुट है ना, जो ये पहला इनपुट है इसको छोड़ के हर जगह पे आपका आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा और गेट। तो और गेट को हम लोग अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि और गेट का आउटपुट अगर जीरो है तो इससे हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्या बोलोगे? अगर मेरा और गेट का आउटपुट जीरो है, इसका ये प्रिडिक्शन है कि उसके सभी इनपुट जीरो होंगे, ये 100% श्योरिटी है। अगर आउटपुट जीरो है और गेट का, उसमें अगर चार इनपुट है तो वो चारों इनपुट जब तक जीरो नहीं होंगे तो आउटपुट जीरो नहीं हो सकता। अगर ऐसा बोल दिया कि उसका आउटपुट जीरो है, दैट मींस उसके चारों इनपुट्स भी आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर है? अब जैसे देखो, अगर बात करूं, ये आपका एक लॉजिक सर्किट है ना, ये जो मैंने बताया आपको यहाँ पे है ना, ये एक तरह से लॉजिक गेट है। अब एक बात समझो आप इस चीज को, कि मुझे इतना पता है कि कोई भी चीज है अगर वो कोई पर्टिकुलर काम कर रही है तो उसको कुछ टाइम लगेगा, यस और नो, है ना? कोई भी चीज कुछ काम करने के लिए कुछ टाइम तो लेगी, कभी ज्यादा कभी कम, है ना? तो जैसे मान लो एक मेरे पास ये और गेट है, है ना, ये कुछ काम कर रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ इनपुट दिया, यहाँ पे कुछ आउटपुट दिया, इसने कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो इसको भी कुछ ना कुछ मुझे क्या लगेगा, टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस सर्किट को परफॉर्म करने में जितना टाइम मुझे लगता है उसको मैं बोलता हूँ आपका प्रोपोगेशन डिले, है ना? तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, तो क्या बोलोगे? किसी भी सर्किट के द्वारा इनपुट को एक्सेप्ट करने में और आउटपुट को प्रेजेंट करने में कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम होता है, उस टाइम को मैं बोलता हूं आपको आपका प्रोपोगेशन डिले। द टाइम टेकन बाय डिजिटल सर्किट्स टू एक्सेप्ट इनपुट, इनपुट को एक्सेप्ट करने में और रिप्रेजेंट आउटपुट इज नोन एज प्रोपोगेशन डिले। उसको मैं टीडी से भी रिप्रेजेंट करता हूं और बहुत जगह बुक्स में टीपी मतलब प्रोपोगेशन डिले, प्रोपेगेशन डिले टाइम से भी रिप्रेजेंट किया गया है ना, इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मुझे बताओ, बड़ा कॉमन सेंस की बात है, किसी भी सर्किट के लिए टीडी या टीपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कब होनी चाहिए भाई? कम से कम टाइम में हमारा काम होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन, अगर अभी कोई भी टीपी के बेस पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसकी वैल्यू मेंशन कर देते हैं, बट अगर नहीं मेंशन किया गया है तो आप उसको 10 नैनो सेकंड लेके चल सकते हो, ठीक है ना? तो ये बात भी याद रखिए कि जेई वगैरह की एग्जाम में यार इन सब की बड़ी दिक्कत रहती है ना, डेटा नहीं देते वो। तो याद रखिए कि अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा डेटा नहीं दिया गया है तो आप मान के चलेंगे कितना टाइम होता है, 10 नैनो सेकंड्स, 10 एनएस लिखा मैंने, 10 एनएस मतलब 10 नैनो सेकंड, नैनो मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस 9। अब कुछ नया काम करते हैं, ठीक है ना? मुझे बोला गया है बनाइए, कंस्ट्रक्ट करिए 4 इनपुट और गेट, मुझे 4 इनपुट का और गेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ 2 इनपुट और गेट। मतलब कितने इनपुट है मेरे पास, यहाँ पे 2 इनपुट है और उनका यूज करके मुझे 4 इनपुट का और गेट बनाना है, ठीक है? तो आप इसको कैसे बनाओगे समझना, है ना? देखो, आपके पास अगर 4 इनपुट और गेट है, 4 इनपुट और गेट है, तो उसका आउटपुट कितना होगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही होगा ना? अगर आपके पास 2 इनपुट और गेट है, कितने इनपुट है, 2 इनपुट और गेट है, उसका आउटपुट क्या होगा, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, है ना? तो कैसे बनाओगे दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने एक और गेट लिया, ये इसमें मैंने 2 इनपुट दिए ए बी, आउटपुट क्या आएगा इसका, इसका आउटपुट आएगा ए प्लस बी। अब इसका ये जो आउटपुट है ना, वो मैं किसी दूसरे गेट पर दूंगा, ये एक और मैंने और गेट ले लिया और इसके आउटपुट मैंने इसको इनपुट में दे दिया और एक और इनपुट दिया यहाँ पे सी, तो बताओ इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे क्या, ए प्लस बी प्लस सी। फिर मैं एक और यहाँ पे लगा दिया मैंने और गेट और यहाँ पे इनपुट दिया मैंने डी, ठीक है? तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ये काम तो हो गया। मेरा काम आपको ये बताना नहीं था, ये वर्किंग बताना नहीं था, मेरा काम था इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको देना। और वो क्या कंक्लूजन है समझिएगा, जैसे ये एक गेट है, है ना, इसको काम करने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, मान लिया मैंने कितना टाइम लगा, 10 नैनो सेकंड्स, है ना? जब ये काम कर रहा था तो क्या उस टाइम पे, आप ये बताओ मुझे, जिस टाइम पे ये काम कर रहा था उस टाइम पे क्या ये काम कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका आउटपुट नहीं मिला ना,
इसका इनपुट क्या, इसका आउटपुट है, तो जब तक इसका आउटपुट नहीं आ जाए तो वेट करता रहेगा, तो इसमें कुछ काम हुआ नहीं हुआ। जैसे इसका आउटपुट आया फिर इसने परफॉर्म किया, तो इसको कितना टाइम लग गया, 10 नैनो सेकेंड्स। अभी तक कितना टाइम लग गया मुझे यहां तक काम करते करते, 20 नैनो सेकेंड्स। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये काम किया, जब इसका आउटपुट आया तो उस पे इनपुट गया, तो ये 10x इसने अलग से टाइम लिया, अब तक कितना होगा, 20 नैनो सेकेंड्स। अब जब इसका आउटपुट आया वो इस पे इनपुट पे गया, है ना, तो आउटपुट कितना आ जाएगा पास, ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। तो अब मुझे कितना टाइम आ जाएगा टोटल यहाँ पे काम करने में, 30 नैनो सेकेंड्स। 10 नैनो सेकेंड इसको, 10 नैनो सेकेंड इसको, और 10 नैनो सेकेंड इसको, तो मुझे टोटल टाइम लगा यहाँ पे कितना लगा, 30 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह कुछ ऐसा काम करता, कैसा करता, मैं अगर लेता यहाँ पे ये एक और गेट ए बी, मैंने इसको इनपुट दिया, इसका आउटपुट आ जाएगा ए प्लस बी, राइट, इतना कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने एक और गेट ले लिया, इसको मैंने इनपुट दिया सी और डी, आउटपुट क्या आ जाएगा, सी प्लस डी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक और गेट लगा दिया, इसको मैंने इनपुट ऐसे दे दिया, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इसका काउंट करते हैं, इसमें कितना टाइम लगा मुझे काम करने में, तो इसको लगा 10 नैनो सेकंड। जब ये काम कर रहा था तो उस टाइम पे ये भी तो काम कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट इनपुट है ना, तो ये भी उसी टाइम पे काम कर रहा था। ठीक है, और जैसे इनका काम आया तो यहाँ पे इसने 10 नैनो सेकंड लिया, तो टोटल मुझे कितना टाइम लगा, 10 नैनो सेकंड इस रीजन में लगा और 10 नैनो सेकंड इसमें लगा, तो टोटल मुझे जो टाइम लगा कितना लगा, 20 नैनो सेकंड। तो दोनों का तरीके से मैंने क्या बनाया आपके पास यहाँ पे और गेट, और मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि पहले वाले केस में जो आपने यहाँ पे बनाया था इसमें कितना टाइम लगा आपको, 30 नैनो सेकंड्स, और जो आपने ऐसे बनाए ए प्लस बी सी प्लस डी और ए प्लस बी सी प्लस डी, है ना, इसमें आपको लगा 20 नैनो सेकंड्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मेरे पास सीरीज ऑपरेशन हो रहा है, ये कहते हैं कैस्केड ऑपरेशन, या बोलता हूँ सीरीज ऑपरेशन, ठीक है, और ये मेरा है क्या, पैरेलल ऑपरेशन, है ना। तो मुझे एक कंक्लूजन निकला कि अगर मैं पैरेलल ऑपरेशन की तरफ स्विच करता हूं तो उससे मेरा प्रोपोगेशन डिले कम होगा या ज्यादा होगा, क्या बोलोगे, अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन गया पैरेलल ऑपरेशन से आपका प्रोपोगेशन डिले क्या होगा, तो प्रोपोगेशन डिले आपका क्या होता है, कम होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू प्रूफ करके दिखाया कि कैसे आपका प्रोपोगेशन डिले यहाँ पे कम हो रहा है। तो ये आपका हो गया पहला और गेट। बात करते हैं हम अपने दूसरे गेट की तरफ, एंड गेट की तरफ। आज हमारी ये पहली क्लास है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और गेट और एंड गेट, है ना, थोड़ा आज की क्लास को थोड़ा सा लाइट रखेंगे, कल से थोड़ा सा क्लास को धूम मचा के चलेंगे ना, जल्दी जल्दी, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए क्लास रखेंगे। चलो, तो एंड गेट को याद करने का तरीका मैंने बताया, ये आपका यहाँ पे ऐसे डंडी बनाने तो बन जाएगा आपका एंड गेट। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज बोलता है ना कि मुझे ये भी चाहिए मुझे ये भी चाहिए, है ना, तो उस केस में आउटपुट कब वन होगा वो समझना। देखो, जैसे अगर ये बल्ब बोला कि इसके पास दो स्विच है, तो ये बल्ब ऑन कब होगा, जब ए भी ऑन हो और बी भी ऑन हो, ए एंड बी बोथ आर ऑन, तब जाके आउटपुट आपको वन होगा। अगर आपका ये वन है और ये जीरो है तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, ये जीरो है ये वन है ये जलेगा नहीं जलेगा, ये जीरो है ये जीरो है जलेगा नहीं जलेगा नहीं जलेगा, ये बल्ब भी ये स्विच भी ऑन है और ये स्विच भी ऑन है तब जाके ऑन। तो मैं यहाँ पे एंड गेट से बोल सकता हूँ कि एंड गेट किस प्रकार के स्विच को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या बोलोगे, तो एंड गेट मेरे सीरीज स्विच को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से मैंने बोला कि भाई जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे तभी जाके आउटपुट आपका हाई होगा, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई देन ओनली इनपुट विल आउटपुट विल बी हाई। ये ट्रुथ टेबल देख लो, देखो जहां दो जीरो हो गया तो आउटपुट जीरो है, ये जीरो है तो आउटपुट जीरो है, जब दोनों आउटपुट इनपुट वन है तभी जाके आउटपुट आपका यहाँ पे बन गया, है ना। अगर आप इसको एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना चाहो तो एक्सप्रेशन से भी कर सकते हो, ए डॉट बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, एंड गेट को हम लोग ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए डॉट बी।
एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है ना कि सर इनको आंसर को याद कैसे करें, कि एंड का एक्सप्रेशन क्या है, और का एक्सप्रेशन क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो उसकी भी मैंने टेक्निक बनाई है ना। मैं अपनी टेक्निक बताता हूँ मैंने कैसे याद किया। देखो जैसे लिखा मेरे पास यहाँ पे और गेट, ठीक है, मेरे पास लिखा यहाँ पे एंड गेट, और का आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी, एंड का होता है ए बी। तो मैंने इसको ऐसे याद किया है कि अगर यहां पे देखो, अगर यहां पे देखो तो यहां पे क्या लिखा है, सिर्फ दो डिजिट है ओ आर, यहां पे सिर्फ क्या दो है ना, तो यहां पे अगर देखो कितना हो जाएगा, तीन दिख रहे हैं आपको ना, ए प्लस बी, तो कितना दिख रहा है आपको, तीन, तो फॉर्म में दिख रहा, तीन हो गया, मतलब जब दो है तो तीन रखना है, और यहां पे कितने आपके पास देखो तीन है, ठीक है, तो इसमें कितने दिख रहे हैं आपको, सिर्फ दो दिख रहे हैं ए बी बस, हाँ। तो ये रटने का तरीका है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग लॉजिक आता है, यहाँ पे ए डॉट बी हुआ तो भाई मत करना ए डॉट, है ना, याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ ना मैं, उसमें थोड़ा आप अगर डाउट निकालो तो फिर क्या ही बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे बोला गया एक क्वेश्चन मुझे कि आप सिक्स इनपुट एंड गेट बनाओ विद द हेल्प ऑफ टू इनपुट एंड गेट। बना दिया मैंने, पहला एंड गेट ए डॉट बी, दूसरा बनाया तो सी डॉट डी, और तीसरा बनाया मैंने ई डॉट, ठीक है। फिर मुझे बोला कि टू इनपुट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे दूसरा लगाया मैंने एक और गेट, सॉरी एंड गेट, तो इसका इनपुट यहाँ पे आया, इसका आउटपुट यहाँ पे आया, तो बन जाएगा ए बी सी डी। फिर यहाँ पे लगा दिया मैंने एक, तो इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी डी, और यहाँ से आ गया ई एफ, तो बन जाएगा ए बी सी डी ई एफ, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। इसमें कितना प्रोपोगेशन डिले लगेगा एक बार काउंट करके देखते हैं हम लोग, कितना हमें प्रोपोगेशन डिले लगा इसको बनाने में, तो एक बार इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश जरूर करेंगे। 10 यहाँ पे लग गया इस रीजन में, फिर 10 यहाँ पे भी लग गया, और 10 यहाँ पे भी लग गया, तो टोटल जो हमें टाइम लगे तो जाएगा 13 नैनो सेकेंड। हालांकि एग्जाम में बोला था कि भाई इसको करने में मुझे 5 नैनो सेकंड लग रहा है, तो हमारा कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट होगा, है ना। अभी तो मैंने 10 लेके बोला ना इसको, 10 × 3 कितना 30, अगर एक में 5 लग रहा है तो 15 आ जाएगा आंसर, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कितना हमारा वहां पे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉट गेट के बारे में भी। नॉट गेट मतलब कि भाई अगर कुछ होते हैं ना बच्चे जब जिद्दी हो जाते हैं कि उनको आप कुछ भी हो तो उसका ना बोलते हैं, खाना खाना नहीं खाना है, पानी पीना नहीं पीना है, घूमना नहीं घूमना है, जब जिद में आ जाते उसको बोलते हैं नॉट गेट। इन्वर्टर उल्टा करके बोलेगा, अगर आप वन दोगे तो जीरो देगा, जीरो दोगे तो वन देगा। इसको मैं अगर अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वो भी देख लो एक बार, कि ये आपके पास सोर्स है, ये बल्ब है, अगर आपने स्विच को ऑन कर दिया तो जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट बन गया, और शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कोई भी पैसिव एलिमेंट होगा तो डीएक्टिवेट होता है, ये तो हम सबको पता है ना, ये आपका डीएक्टिवेट हो जाना है फिर, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर आपने इसको वन किया तो आउटपुट जीरो आया, अगर आप इसको जीरो कर दो, अगर आप स्विच को जीरो कर दो, स्विच को जीरो कर दिया आपने, आउटपुट कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि करंट आपका फ्लो पाएगा फिर यहाँ पे, है ना। तो इन्वर्टर को हम कैसे बोलते हैं, जैसे ये हमारा इन्वर्टर है ना, वन देंगे तो जीरो, जीरो देंगे तो वन, ठीक है। अब बात आती है ऑपरेशन की, कैसे हम चीजों को ऑपरेट करेंगे उसके बारे में समझ लो। जैसे अगर आपने देखा होगा मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं ना, बोर्ड मास का रूल यूज करते हैं ना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 2 + 3 × 2 का आंसर क्या होगा, तो पहले आप क्या करते हो, पहले मल्टीप्लीकेशन करते हो, 3 × 2 = 6, तो 2 + 6 = 8, ऐसे हम लोग आंसर करते हैं ना, ऐसे नहीं करते कि 2 + 3 = 5 हो गया, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, ऐसा हम लोग नहीं करते ना। एक रूल हमारे पास, क्या बोलते हैं, बोर्ड मास रूल। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, डिवीजन सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर एडिशन करो, फिर सबट्रैक्शन करो, कि एक हमारा क्या है, प्रेसिडेंस है। तो अब हमको बात, प्रेसिडेंस मतलब एक सीक्वेंस है ना। अब बात करते हैं कि अगर हमको डिजिटल सर्किट्स में कुछ काम करना है तो हम पहले किसको परफॉर्म करेंगे। जैसे अगर मुझे बनाना है यहाँ पे क्या, y = AB + CD, इसमें मैं पहले किसको परफॉर्म करूंगा, तो इसके लिए भी एक रूल है। ऐसा नहीं कि पहले आप प्लस को परफॉर्म कर लो बाद में मल्टीप्लस परफॉर्म करो, तो इसमें भी एक रूल है, वो क्या है आपके पास, ये बनाओ इसको। आप देखो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो, जैसे बोर्ड में से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते थे,
उसके बाद फिर नॉट गेट को सॉल्व करोगे, फिर एंड गेट को सॉल्व करोगे, फिर और गेट को सॉल्व करोगे। तो आप बस इतना याद कर लो, बनाओ। अगर आपको ये याद है ना तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे देखो, मुझे इस एक्सप्रेशन को बनाना है, y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस सी, मुझे इसको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँ, ब्रैकेट को सॉल्व करूँ, ब्रैकेट यहाँ पे, तो ब्रैकेट वाला काम तो हो गया। फिर आता है नॉट, देखो नॉट गेट यहाँ पे क्या, बी बार। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉट गेट लिया, देखो बी इनपुट है तो बी बार बन गया, है ना, नॉट गेट। अब बना एंड गेट, एंड गेट यहाँ पे कौन सा, ए बी बार, ये ना एंड गेट है, तो मैंने एंड गेट लगाया, इस पे मैंने ए इनपुट दिया, इसको दिया मैंने बी बार, तो बन जाएगा ए बी बार, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। फिर लास्ट में क्या आपका और गेट, फिर मैंने और गेट लगा दिया, तो ए बी बी बार प्लस सी, यहाँ पे सी इनपुट दे दिया मैंने, तो ये मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गया। समझ में आया सभी को कैसे काम करना है आपको? आई होप आप सबको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग प्रॉपर से रिविजन कर लीजिए। अगर आपके पास इस नोट्स के प्रिंट आउट नहीं है तो आप इसके प्रिंट आउट अपने सामने रख लीजिए, उससे क्या होगा, आप खुद से नोट्स मत बनाइए, ऑलरेडी सारी प्रिंटेड नोट्स आप, मतलब नोट्स आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसको प्रिंट करके अपने सामने रख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, कुछ भी एडिशनल पॉइंट देखो तो आप वहाँ पे पेन से नोट कर लीजिए उसी प्रिंट आउट पे, तो आपका अच्छा खासा एक रिविजन हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है वो है कि सर ये बनाओ वाला समझ नहीं आया, मैं बता देता हूँ फिर से, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। देखो मुझे क्या करना है, मुझे बोला कि आप एक डिजिटल सर्किट बनाओ, y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस सी, ठीक है। तो मुझे ये करना है कि मुझे इसको बनाना है डिजिटल सर्किट का यूज करके। तो कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं बी बार को देखूंगा, तो मैंने एक इनपुट दिया यहाँ पे बी, ये इनपुट मेरे पास बी है, इसको मैंने दिया किसको, नॉट गेट, तो आउटपुट आ गया इसका बी बार, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ, अब फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, ए बी बार मुझे बनाना है ना, तो मुझे यहाँ पे ले दिया मैंने एंड गेट, क्योंकि एंड गेट में तो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, मल्टीप्लाई करना, तो कब होगा वो, ए बी बार कैसे बने, मल्टीप्लाई करने, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे ए इनपुट दे दिया, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, ए बी बी बार, ए बी बार। अब मुझे करना है यहाँ पे एडिशन, एडिशन किसके थ्रू होता है, और गेट थ्रू, तो मैंने और गेट लगा दिया यहाँ पे, अब इसका यहाँ पे इनपुट मैंने इसको सी, तो आउटपुट कितना आ जाएगा पास यहाँ पे, इसके जो भी इनपुट्स हैं उनको सम कर देगा, तो ए बी बार प्लस सी। तो ये जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया ना, इसमें मैंने कुछ एक सिंपल सा रूल का फॉलो किया है, वो क्या है, बनाओ। बनाओ मतलब क्या, सबसे पहले इसमें से मैंने किसको सॉल्व किया, मैंने क्या इस सी को सॉल्व किया, नहीं, मैंने सबसे पहले सॉल्व किया इस ब्रैकेट, तो मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, और ब्रैकेट का मैं सॉल्व किया इसको नॉट गेट, ब्रैकेट के बाद मैं किसको, नॉट गेट को सॉल्व किया, बी बार को बनाया मैंने, फिर बनाया मैंने एंड गेट, देखो इसके बाद फिर, इसके बाद फिर एंड गेट ही आया है, देखो ना, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, ये हो गया आपके पास क्या, नॉट, एंड, और, तो हो गया ना, बी एन ए बनाओ। पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, फिर नॉट गेट सॉल्व हुआ, फिर एंड गेट सॉल्व हुआ, लास्ट में आपका और गेट सॉल्व हुआ। तो एक सिक्वेंस है कि कैसे आपको इन चीजों को गो थ्रू करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसके प्रिंट आउट ले लीजिएगा, रिवाइज करिएगा, जो भी डाउट्स होंगे आपके वो आप अपने ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हो, हालांकि कुछ खास डाउट्स आपको आया नहीं होगा। सर ब्रैकेट कहाँ कंसिडर कर रहे हैं, ये ए बी बार, यहाँ ब्रैकेट कंसिडर करेंगे ना, हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, सिंपल सी बात है, अगर मुझे लिखना है ना वाई इक्वल्स टू ए बी बार प्लस सी, तो ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं ना, ये ब्रैकेट हो गया यहाँ पे, ये बना नहीं बना, समझ इमेजिन करना पड़ता ना इसको, तो ये ब्रैकेट है ना, वो चीज को ऐसा मानना पड़े। तो पहले हमने ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व किया, फिर नॉट गेट को सॉल्व किया, फिर एंड गेट को सॉल्व किया, लास्ट में और गेट को सॉल्व किया। जो भी डाउट्स होंगे ग्रुप पे करो, ग्रुप पे बात करते हैं थोड़ा सा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्लियर है सभी को, इतना कंफर्म करो फटाक से, सभी लोग फटाक से कंफर्म करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।